हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट सी बघेल सर। यू ऑल आर वॉचिंग हैशटैग गोंदिया चैनल। अमेरिका के टेक्सास में पिछले हफ्ते भारी बारिश के बाद आई बाढ़ की वजह से दर्जनों लोग एक होटल में फंस गए, लेकिन इस होटल का 21 साल का कर्मचारी इन लोगों के लिए हीरो बन गया। उसने हिम्मत नहीं हारी, विवेक से काम लिया। यहाँ के एक होटल होम वोट का कर्मचारी सचिल स्मिथ आमतौर पर फ्रंट डेस्क को संभालता है। पिछले बुधवार को सुबह उसके पिता ने उसे होटल में छोड़ा था और उसे 8 घंटे के नियमित शिफ्ट में काम करना था और शाम को अपने घर वापस लौटना था। जब बारिश शुरू हुई तो बंदी नहीं हुई, वह होटल में अकेला कर्मचारी था जबकि 90 गेस्ट होटल में फंसे हुए थे। स्मिथ ने ऐसे समय पर इन लोगों की ज़रूरत का ध्यान रखने की चुनौती को स्वीकार किया। उसने पूरी रात होटल में रहने वाले लोगों को काफ़ी उपलब्ध कराने से लेकर उनके फ़ोन का जवाब देना सहित सभी जिम्मेदारियों को निभाया। अगले दिन स्मिथ ने सुनिश्चित किया कि सभी लोगों को गर्म नाश्ता समय पर मिल जाए। वह लगातार काम करता रहा। जब भी कोई उससे कुछ मांगता वह हमेशा मुस्कुराकर सकारात्मक रूप से जवाब देता। वह लगातार 36 घंटे तक होटल का मैनेजर भी था, फ्रंट डेस्क को भी संभाल रहा था, मेंटेनेंस भी कर रहा था और किचन भी देख रहा था। उसे अकेले काम करते देख होटल में रुके हुए गेस्ट भी उसकी मदद के लिए आगे आ गए। किसी ने खाना देने में उसकी मदद की तो किसी ने प्लेटों को साफ किया। स्मिथ का कहना था कि वह अच्छा कुक नहीं है, इसके बावजूद लोगों को उसके द्वारा तैयार भोजन से कोई शिकायत नहीं हुई थी। स्मिथ ने बताया कि वह सभी गेस्टों का आभारी है कि उन्होंने उसकी मदद की। वहीं लोगों का कहना था कि स्मिथ ही उनका हीरो है जो 36 घंटे तक बिना रुके बिना आराम किए उसने हमारे आराम के लिए लगातार काम किया। होटल में साफ पानी ख़त्म होने के बाद उसे कुछ दूरी पर फंसे पानी का टैंकर से पीने का पानी लाना पड़ा। तीसरे दिन शुक्रवार को उसके साथी काम पर पहुंचे तब उसे झपके लेने का मौका मिला। होटल में ठहरी एक गेस्ट ने यह पूरी कहानी और स्मिथ का फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और उसके प्रति आभार व्यक्त किया और सभी ने आभार व्यक्त किया। थैंक यू वेरी मच। Kindly subscribe, like, comment. In future, I will bring like this videos. Thank you very much. Good day. Sunny is